हजारों की है। और जहाँ तक आप स्थानीय निकाय की बात करो तो नगर परिषद की बात करते हो, नगर परिषद के लिए भी हमारी सरकार ने भी बहुत सी योजनाएं बनाई हैं, चाहे हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों के लिए रेहड़ी बनाई है, घर घर से कूड़ा लाने के लिए सामान दिया है, नंदीशाला बनाई है, गौशाला के लिए इंतजाम किया गया है, उनके चारे का इंतजाम किया जाता है, शहर की सफाई का इंतजाम किया जाता है, शहर की सारी गलियाँ पक्की बन चुकी हैं, सड़कें बनाई गई हैं, बहुत प्रकार के काम जो नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र के काम है वह काम भी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने बहुत ज़्यादा पैसा भिवानी नगर परिषद को दिया है और आज उसी का परिणाम है कि बहुत विकास के काम भिवानी नगर परिषद के अंदर हुए हैं। सर हमारे साथ केस कला बोर्ड के चेयरमैन भी मौजूद है, सर प्रीतिमान के नेतृत्व में आज उनके जिताने के लिए सभी वर्ग लगे हुए हैं, छत्तीस बिरादरी का साथ मिल रहा है, किस प्रकार देखिए आप देख लीजिए सारा छत्तीस बिरादरी लगा हुआ है, 22 साल को आप देख लेना, आप आके मुठ्ठा मुँह कर लेना, पूरा भिवानी शहर जगमगा उठेगा, पूरा शहर जगमगा उठेगा। तो सर किन किन योजनाओं को लेकर आप सर जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या क्या योजनाएं हैं? देखिए केंद्र सरकार में इतनी योजनाएं चली हुई हैं, हरियाणा सरकार ने इतनी योजनाएं चलाई हुई हैं, भिवानी सरकार ने इतनी योजनाएं चलाई है, विकास के नाम से वोट मांग ले, विकास के नाम पे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी वोट मांग रही है, सर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, छोटे चुनाव लोकतंत्र की सही परिभाषा है और हम लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पे छोटी काशी में एक नंबर पे होके 22 तारीख को भाजपा जीतेगी। लोग जाति पाति का जहर घोल रहे हैं उनसे हम बिल्कुल अलग साफ छवि सुंदर छवि की हमारी उम्मीदवार प्रीतिमान 22 तारीख को कमल फूल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीतने जा रही है। हमने यहाँ सीवरेज हो, पानी की व्यवस्था हो, ट्रीटमेंट प्लांट हो, जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं नगर पालिकाओं की नगर परिषद की, उसमें जितना पैसा भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन लेके आएगा अगर दूसरा बना तो वो कम हो जाएगा, और अगर काशी को अपना सही विकास चाहिए तो भाजपा को अपना वोट दे। हमारे साथ सीआईडी के पूर्व इंस्पेक्टर भी हैं, सर क्या देख रहे हैं? पहले आप खुफिया सरकार तक भेजते थे, अब कहां तक पहुंचा रहे हो, क्या क्या रिपोर्ट है सर आपकी? जनता की बॉडी लैंग्वेज से ही पता लगता है कि जो है ना जीत रही है प्रीतिमान, आप लोगों के चेहरों से आइडिया लगा लेंगे, आप तो मीडिया में रहते हैं रोजाना लोगों को देखते हैं, इनके चेहरे से ही पता लग रहा है ये तो जीत गए। प्रीतिमान एक तरफा जीत कर रही है सर? बिल्कुल एक तरफा जीत, बिल्कुल एक तरफा जीत है। क्या कारण है सर इसका? ये कारण है देखो, इसके जो ससुर जी थे वो लंबी सेवा दी है बीजेपी, उन्होंने ठीक है साफ छवि से है, इनका बैकग्राउंड देखिए, घर परिवार देखिए, जैसे हम एक आपको उदाहरण के तौर पर बताएं, हम कोई रिश्तेदारी गांठते हैं, कोई बिजनेस करते हैं तो आदमी का बैकग्राउंड देखते हैं, इसमें भी लोगों ने बैकग्राउंड देखना चाहिए। पार्टी तो सब पार्टियां आ रही, कोई पार्टी तो मैदान में नहीं, आप कांग्रेस की बात करना चाहे तो कांग्रेस तो अपने हाथ को वापस खींच लेगी, कैंडिडेट उतारा था कैंडिडेट, उसके बाद जो है जेजेपी ने बीजेपी ने वापस समझौता करना पड़ा, वरना बीजेपी अकेले ही कांग्रेस को मात देने के लिए काफ़ी थी। लोग तरह तरह की अफवाहें फैला रहे, पहले इनका समझौता टूटा फिर समझौता दोबारा हो गया, उस समझौते का टूटने का मेन कारण क्या था कि कांग्रेस के लिए तो हम बीजेपी अकेली बहुत है भाई, हम किस लिए समझौता, वो वापस अटकी पार्टी, इन्होंने वापस समझौता कर लिया। इस कैंडिडेट में जिताई में तो कोई शक किसी प्रकार का अगर किसी को लगता है तो बाइट देने के लिए हम तैयार हैं। तो सर शनिवार को नई अनाज मंडी में चेयरपर्सन उम्मीदवार प्रीति मान के समर्थन में उनके पति हर्षवर्धन मान द्वारा डोर टू डोर अभियान चलाया गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने कहा कि उनके वोट भाजपा को ही मिलेंगे तथा वे प्रीति मान को बहुमत से जिताने का कार्य करेंगे ताकि भिवानी का चहुमुखी विकास हो सके। भाजपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रही चेयरपर्सन पद की उम्मीदवार प्रीति मान के लिए हर्षवर्धन मान द्वारा डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस अवसर पर प्रीति मान व हर्षवर्धन मान का कहना है कि उन्हें प्रत्येक वार्ड में भारी जनसमर्थन मिल रहा है और वे भारी बहुमत के साथ विजय प्राप्त करेंगी। वहीं उन्होंने कहा कि वे भिवानी नगर परिषद में हुए घोटालों की भी निष्पक्षता से जांच करवाकर आरोपियों को सलाखों के पीछे करवाएंगी। इस अवसर पर उनके साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कमल
आए भागे भाई राजेश भाई इस साइड घूमो थोड़ा भाई भाई थोड़ा है ना आप साइड हो जाओ एक बार थोड़ा इस साइड देखा करो हाँ इस साइड हो जाओ भिवानी अंचल देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी हम मौजूद है भिवानी की अनाज मंडी में जहां पर बीजेपी के जो प्रतिनिधि है हर्षवर्धन मान अपने कार्यकर्ताओं के साथ आज अनाज मंडी में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। उनके साथ देखेंगे कि आप पूरा व्यापारी वर्ग उनके साथ मौजूद है, भारी संख्या में उनके कार्यकर्ता जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। अभी बातचीत करेंगे हर्षवर्धन मान जी से कि किस प्रकार जो उनका चुनाव अभियान चल रहा है और जो जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, धुआंधार अभियान चल रहा है बीजेपी के द्वारा, क्योंकि इनके कई मोर्चों पर आप देखेंगे महिला मोर्चा है या जितने भी मोर्चे हैं बीजेपी के अलग अलग प्रचार कर रहे हैं। उसी के तहत आज प्रीति हर्षवर्धन मान जो हैं उनका आज कार्यक्रम है अनाज मंडी के दौरे पर। अभी बातचीत करेंगे हर्षवर्धन मान जी से। देखिए आज हम अनाज मंडी में डोर टू डोर अपने बुजुर्गवान जो हमारे व्यापारी वर्ग के हमारे परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, उन सब से आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं और अपार प्रेम मुझे यहाँ अनाज मंडी के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों ने, मेरे साथियों ने, मेरे संगठन के साथी मेरे साथ व्यापारी वर्ग के साथी सभी घूम रहे हैं। और मैं यही अपील करता हूँ कि अपना एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डालें, भिवानी का सर्वांगीण विकास करने का काम हम करेंगे, ये मैं वादा और संकल्प आपके माध्यम से भिवानी की जनता को देना चाहता हूँ। देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भिवानी में सरकार बना करके ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएं ताकि चार गुणा गति के साथ विकास कार्य हम करवा सकें। क्या कारण है कि व्यापारियों का हो चाहे किसानों का हो हर वर्ग का आपको प्यार मिल रहा है, जाते ही लोग ये कि हर्षवर्धन ओम प्रकाश मान आ गए हैं, आपको छवि देखी जाती है आपके पिताजी की, लंबा कैरियर रहा है, किसान नेता से शुरुआत की थी और एक बड़ी बड़ी पार्टी में बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। जी देखिए मेरे पिता स्वर्गीय ओम प्रकाश मान जी जिन्होंने अपना पूरा जीवन संघर्ष में निकाला और हर वर्ग के साथ उनका इतना प्यार प्रेम और स्नेह था, हर वर्ग की वो किसी भी प्रकार की कोई हक की लड़ाई होती थी उसके लिए लड़ने का काम करते थे और हर जगह उनका इतना मान सम्मान, क्योंकि उनका जो एक स्वभाव था वो काम करने का था और हम भी उसी प्रकार से कमेरों की तरह काम करने का कार्य करेंगे, 24 घंटे भिवानी शहर की जनता की सेवा के लिए तैयार रहेंगे। साहु जी आपके पास आए हैं किस प्रकार जोड़ी बरबर के पूरा
पूरा आशीर्वाद नहीं, सिर्फ जोड़ी भर भर के वोट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जोड़ी भर के ही मिलेंगे। व्यापार मंडल बीजेपी के साथ है सर, पहले से देखा हमने व्यापारियों को भिवानी में, जब से बीजेपी के साथ है, जब से बीजेपी हरियाणा में भी नहीं थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे भाई रे राजेश साकरोड़िया जी हमारे कोषाध्यक्ष हैं, ये राकेश जी क्या कहना चाहेंगे व्यापारियों को? आईटी सेल में राजेश, व्यापारियों का साथ हमेशा भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है और मिलता रहेगा। अनाज मंडी के व्यापारी पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, प्रीति हर्षवर्धन मान के साथ है, और ये बूथ हम लगभग 20 वर्षों से मंडी लगातार वोट भारतीय जनता पार्टी को देती आई और देती रहेगी, और इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। हम बहुत बहुत भारी वोटों से भिवानी शहर को जीत रहे हैं, भिवानी की सीट को जीत रहे हैं। धर्मेंद्र जी आम कार्यकर्ता से पार्टी के वरिष्ठ पदों तक पहुँचे हैं, तो किस प्रकार देख रहे हैं? देखिए, एक सामान्य कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के पद तक अगर पहुँच सकता है तो भारतीय जनता पार्टी में पहुँच सकता है। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी ने व्यापारियों की बात करें या संपूर्ण बात करें, तो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के जो विचार चले एकात्म मानववाद और अंत्योदय, कि जो शासन है उसका फायदा, उसकी योजनाएं अंतिम पग तक पहुंचे, अंतिम चरण में जो व्यक्ति है, अंतिम स्थान पे जो व्यक्ति है, उस अंत्योदय को लेकर भारतीय जनता पार्टी चलती है, और उसी के अंतर्गत हमारा ये मोटो भी है कि अंतिम स्थान के व्यक्ति का विकास भारतीय जनता पार्टी करे। तो सर अंतिम अभी मेले भी लगाए हैं, लाखों लोगों को इसका फ़ायदा भी मिल रहा है, बुला बुला कर अंतिम व्यक्ति तक जो जो व्यवस्थाएँ सरकार की योजनाएं उनको पहुँचाया जा रहा है। तो सर जो कमियां रही हैं अब की बार किस प्रकार आप लोगों को समझा रहे हैं, किस प्रकार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मैं मानता हूँ कि देखिए पूरा विशाल देश है, हमारा नगर भी बहुत बड़ा है, कुछ त्रुटियाँ रह जाती हैं, लेकिन उन त्रुटियों को दूर करते हुए एक ट्रिपल इंजन की सरकार हम भिवानी में देंगे, ताकि तिगुनी चौगुनी गति से भिवानी का विकास हो। किसान मोर्चे के जिला अध्यक्ष कुलदीप पायल जी हमारे साथ हैं। सर क्या कहना चाहोगे, किसान और व्यापारी आपका मंडी में भी काम है, तो किस प्रकार बीजेपी के साथ? देखो, किसान का और व्यापारी का तो एक बड़ा स्नेह है, बड़ा अच्छा मिलन है, और यही दोनों मिल के देश को आगे बढ़ाने का भी काम करते हैं। किसान फसल पैदा करके व्यापारी का फसल लेता है, व्यापारी उसी फसल से आगे देश को आगे ले जाने के लिए काम करता है, और आज हम जिस प्रकार से किसान और व्यापारी दोनों मिलकर के आज जो संगठन ने विश्वास जताकर आज प्रीति हर्षवर्धन मान जी को इस मैदान में उतारा है, तो हम उनके लिए ज़ोर शोर से यहाँ प्रचार कर रहे हैं, और हर व्यापारी बड़े ज़ोर शोर से उनका बड़ा प्यार मिल रहा है, और आने वाले समय के अंदर प्रीति मान जी भारी मतों से विजय आने वाले समय में प्रीति मान जी भारी बहुमतों से विजय होंगी। कार्यकर्ता भी है सर, क्या कहना चाहोगे, कितना प्यार मिल रहा है? खूब मिल रहा है सर, बढ़िया, सब सपोर्ट कर रहे हैं, सभी छत्तीस जाति सब बढ़िया अच्छा तरह सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को। बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं सर, किस प्रकार लग रहा है जो आने वाले 19 जून हैं, और काफ़ी जो साथी हैं हर्षवर्धन मान के साथ आए हुए हैं, तो सर क्या कहना चाहेंगे, जो वोट मांग रहे हैं डोर टू डोर, कैसा लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है? प्रीतिमान जीतेगी भाई जी, प्रीतिमान जीतेगी। हाँ जी, प्रीतिमान जीतेगी। कितने वोटों से जीतना मान रहे हैं? कम से कम भी 7-8 हज़ार से आराम से जीतेगी। अभी जो आज की डेट में कार्यकर्ता मान रहे हैं कि 7-8 हज़ार वोटों से बीजेपी आगे चल रही है, अब आने वाले 19 जून को देखते हैं कि आने वाले जो भिवानी की जनता है कितने वोटों से और किसे विजय बनाएगी। नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं अंकित ठाकुर अभी मौजूद हूँ कृष्णा कॉलोनी में, और अभी बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं प्रीति हर्षवर्धन मान कृष्णा कॉलोनी में मौजूद है, और रात के अभी 9 बजने को हैं, और उनकी पूरी टीम महिला मंडली आज कृष्णा कॉलोनी में मौजूद हैं, और पता करेंगे मैडम सुबह 5 बजे शुरू हो जाता कैंपेन, और अभी रात को 9 बज चुके हैं और अभी भी कार्यक्रम बाकी है, किस प्रकार देख रहे हैं? हाँ जी, सुबह 5 बजे उठते हैं जी, 6 बजे हमारी कंपेनिंग शुरू हो जाती है, और अभी भी देख लो कितने बजे हैं, लेट ही हो रखा है, 10-11-12 बजे तक का हमारे पास ये टाइम है, तो कड़ी मेहनत दिन रात चल रही है जी। मैडम किस प्रकार का जो नई सोच, नए विचार के साथ पार्टी उतारा आपको, नई युवा सोच
अभी शुरुआत हुई और लंबा राजनीतिक सफर है, शुरुआत में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो किस प्रकार निभाएंगे? देखिए, जिम्मेवारी जिम्मेदार इंसान को ही मिलती है, तो मैं एक जिम्मेदार फैमिली से बिलोंग करती हूँ ऐसा आपको पता ही है, तो मेरे अंदर वो उत्साह भर गया है जो एक युवा में होना चाहिए। तो लोगों को मेरे को एक मौका देना चाहिए कि मैं आगे आऊं। और देखो, युवा सोच तो एक अलग ही सोच होती है, तो बिल्कुल सारी ये मेरी बहनें मेरे सपोर्टर मेरे साथ हैं। आज मैं कृष्णा कॉलोनी में मौजूद हूं, तो मेरी कंपेनिंग बहुत बढ़िया चल रही है। मैम, क्या अपील करेंगी 19 जून को जो भिवानी का मतदाता है, किन मुद्दों को लेकर प्रीति हर्षवर्धन मान को वोट करेगी? जी, हर एक शहर में समस्याएं होती हैं, भिवानी शहर की, छोटी काशी की, अपनी अपनी जो समस्याएं हैं मैं उनको डील कर रही हूँ, मैं उनको फेस कर रही हूँ। अभी इस टाइम पे मैं जन जन के बीच जा रही हूँ, तो वो 19 जून को वो सारी समस्याओं को सोचकर और वो अपने समाधान भी सोच लेंगे, क्योंकि वो ही समाधान बताने वाले हैं मेरे को। मैं उनकी समाधान से उनका निवारण करूँगी, उनकी समस्याओं को। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से 19 जून को रहेगा, मेरी परीक्षा के रूप में मैं उस चीज़ को देखती हूँ 19 जून को। आपकी महिला टीम से बातचीत करेंगे मैडम, किस प्रकार देख रहे हैं, क्या अपील करेंगे, किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? प्रीति हर्षवर्धन मान एक युवा चेहरा, किस प्रकार हौसला बढ़ा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो महिला है, एक घर से निकल के महिला गृहिणी गृहिणी की हमने छवि बना रखी है, तो सबसे पहले तो वही हटानी है। तो महिला महिलाओं से ज़्यादा अटैच होगी, वो बताएगी अपने छोटे से छोटे काम, बड़े से बड़े काम वो खुल के बता सकती है। महिलाएं, महिलाओं को ही ज़्यादा समस्या है, पुरुष तो फिर भी फील्ड में रहते हैं, वो अपने काम देखते हैं, उनको पता है। तो यही सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है कि लेडीज़ आगे आई। अभी तो ये जो हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो जो जो हमें समस्याएं बताई जा रही हैं, कहीं लाइटों की समस्या है, कहीं पानी की है, कहीं सीवरेज की है, तो ये सारी चीज़ें एक आम लेडी के लिए सबसे ज़्यादा वो करती है। तो उन चीज़ों को हम लोग ध्यान में रख के उनकी समस्याएं हम सुन रहे हैं, तो आगे आने वाले दिनों में अगर जनता हमारा साथ देती है तो हम उनकी समस्याओं का पूरी तरह